घर का वीडियो बनाया है, तुम आ रही हो वीडियो में। तो गाइस यहाँ पे अपनी एनएस देख सकते हो कितनी गंदी हुई पड़ी है। करते हैं इसको फटाफट कोल्ड स्टार्ट, देख रहे हो भाई वन सेल्फ में स्टार्ट। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इसकी सर्विस के लिए। भाई बहुत ज़्यादा गंदी हुई पड़ी है, देख सकते हो कंडीशन। पहले ये सब बाइक साइड करनी होगी, तब निकालना पड़ेगा उसे। भाई बहुत गंदे कंडीशन में है भाई, मतलब पूरा धूल वूल हो रखा है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। कैसे आप लोग, होप सब आप लोग अच्छे होंगे और अपने लाइफ में बड़े बड़े कर रहे होंगे। तो आ गए फिर से एक अनदर वीडियो के साथ, एक फ्रेश वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में भाई हम करवाने वाले हैं अपनी बाइक की सर्विस। और वीडियो में बने रहना, इस बार कुछ भाई न्यू करने वाला हूँ, कुछ न्यू मोबाइल है। तो चलिए आगे मिलते हैं। तो चलो भाई करते हैं स्ट्रीट रेस, थोड़ा सा रास्ता मिल जाए तो खींचा खींची करते हैं। देख रहे हो भाई लोकली ऐसे भगाने का जो मजा है ना, कम ऑन चचा। ओहो ये टोटो वाले सब ना भाई पूरा भाई रोड जाम करके रखते हैं। सर्विस कराने से पहले एक बार ही भगा लेते हैं भाई, मजे वाली। ओहो यार अगेन इन ट्रैफिक ब्रो, ये वाला गंदा ट्रैफिक होता है जहाँ मैं स्टक हो जाता हूँ। चलो पुलिस वाला उधर गया भाई, निकल जाते हैं। तो भाई अपन नहीं मानते हैं रेड सिग्नल ग्रीन सिग्नल कुछ नहीं, इधर पाएंगे घुसा देंगे भाई, बट ऐसा करना नहीं चाहिए भाई। अपने भागलपुर में ना यार राइड करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता यार इंटीरियर में, वो भी भाई दिन के टाइम राइड करोगे, हो ही नहीं सकता भाई, पॉसिबल ही नहीं है। देख रहे हो मैं तो भाई जिधर उधर से घुसा फुसा के निकाल देता हूँ, क्या करूँगा। तो चलो भाई थोड़ी सी बाइक को खींचते हैं, देख रहे हो भाई मैं इसे ना 3-4 दिन बाद राइड कर रहा हूँ, इतनी ज़्यादा गंदी हुई पड़ी हुई थी ना घर पे, क्या बताऊँ। वैसे चला ही नहीं रहा था, मूड ख़राब था भाई, और प्लस वेटेड बाइक चलाने का मन ही नहीं कर रहा था। देख सकते हो भाई इससे, इस बाइक पे ना भाई फुल कॉन्फिडेंस रहता है मेरे को, प्यारे प्यारे कट्स ले लेता हूँ उसमें भाई, कोई डर नहीं रहता इस वाली बाइक पे मेरे को। बाकी और सब बाइक जो राइड करता हूँ ना, थोड़ा सा मन में था भाई और रहता है, बट उस पर भी आस्ते आस्ते वो वाला कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो भाई इस बार मैं ग्रीन सिग्नल पे निकला हूँ, कोई बोलना मत मेरे को कमेंट में कि यार सिग्नल तोड़ता हूँ, इस बार मैं ग्रीन सिग्नल पे निकला हूँ यार। बाकी आप लोग मज़े देखो यार, आई होप कि वॉइस अच्छी आती होगी। और भाई आप लोग पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो फटाफट जा करके देखो यार, और कमेंट करके बताओ कौन सा कैमरा मैं यूज़ कर रहा हूँ, गोप्रो का ये कौन सा मॉडल है, कौन सा मैं यूज़ कर रहा हूँ भाई, और क्वालिटी आप लोग को पसंद आ रही है अभी कि नहीं आ रही है भाई, कमेंट करो फटाफट। तो अब भाई इसी टाइप की क्वालिटी आएगी और वॉइस हो सकता है कि मैं और अच्छी करूं आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं हाई स्पीड में जब भी चलता हूं ना तो मैंने देखा कि वो भाई ब्लास्ट का एक साउंड आ रहा है, पट 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 कर रहा है, तो वो वाला साउंड मैं बहुत जल्द भाई उसे क्लियर कर दूंगा। और भाई थोड़ा सा अभी टफ हो गया है मोटो व्लॉगिंग करना मेरे लिए, क्योंकि भाई बिज़ी चल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रहा हूँ इस वजह से। और आज से नहीं भाई, आपका 1.5 महीने से 2 महीने से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रहा हूँ, कुछ फैमिली रीजंस है दैट्स वाई। बाकी अभी आप लोग देख सकते हो जितना हो रहा है जैसे हो रहा है भाई कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ। चचा भाई स्पेस नहीं देते हैं, अरे चचा पागल ले कट ले कट, नई साइड देगा तो ले कट, अब गिरो या पड़ो भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को, हॉर्न दे रहा हूँ, साइड साइड दो यार, साइड नहीं दोगे तो भाई बस कट मार दूंगा, सीधा नीचे जाओगे देख लो। अच्छा को सीधा आ रहे हैं, राइट इंडिकेटर दे दिए, जबकि राइट में कोई जगह ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं जाता भाई राइट में। तो इस वाली रोड पे अगर थोड़ा सा खाली मिल जाएगा तो भाई आप लोग को स्ट्रीट रेस मज़ेदार वाली दिखा देंगे। देखो खाली नहीं मिलता भाई, प्रॉब्लम तो यही है ना। हाँ
गैप देख सकते हो भाई, क्या ही गैप कवर कर रहा हो। आई थिंक ब्रेक पैड से इसकी खत्म हो चुकी है। तो भाई ये आ गए हम सर्विस सेंटर पे। थोड़े से ना भाई सस्ते में पार्ट्स मिल जाते हैं, मतलब है ओरिजिनल ही मिलेगा बट आपको शोरूम से थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट सामान ले लेते हैं। आई आई पड़े देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है भाई। कट्स कट्स, ये देखो भाई रनर। ओहो हो भाई, कैसे कैसे लोग हैं भाई, सीधा निकल जाते हैं यार। अकेले जो है ना भाई स्पीड रेस करने का मजा ही नहीं आता भाई। जब तक कंपटीशन नहीं ना हो तब तक कोई मजा नहीं है। फिर भी आपका भाई आप लोग के लिए भगा रहा है यार, अकेले ही भगा रहा है जहाँ तक हो रहा है, अकेले ही भगा रहा। और सच बताऊँ ना तो मेरे पेट में दर्द है यार, सच में यार पेट में दर्द हो रहा है मेरे, क्या करें यार। फिर भी आप लोग के लिए वीडियो लेकर के आना है तो यार बनाना तो पड़ेगा ही, घर से निकलना तो पड़ेगा ही और पेट का दर्द तो सहना पड़ेगा ही। क्या आंटी उड़ा दे क्या? ओ चचा, तो देख सकते हो बॉयज ये है भागलपुर सिटी, और सिटी के अंदर भाई मार्केट। ओ तो भाई मार्केट एरिया में भाई ऐसे उड़ा रहा हूँ और लगता आगे कि ना भाई डिस्पैड खत्म हो चुकी है, क्योंकि भाई आगे की ब्रेक जो है ना वैसी लगी नहीं रही है। आई थिंक बाइक को वॉश कराएं या पैड चेंज करवाएं, वो चेक करवा लेंगे अभी जा करके भाई। अगर आपको भाई ये क्या बोलते हैं इंजन ऑयल का जो प्रेशर होता है ना भाई, प्रेशर वाला नट जो होता है, तो भाई वो भी ख़राब निकला है इसका, क्योंकि यार KTM और बजाज की जो इंजन होती है ना पैक इंजन, उसमें ये अक्सर प्रॉब्लम आ जाती है कि उसका भाई ऑयल प्रेशर वाला जो नट होता है ना वो सेंसर हमेशा ख़राब हो जाता है भाई। और भाई रेस्पेक्ट गर्ल्स, गर्ल्स की आप लोग रेस्पेक्ट किया करो भाई। बोला मैडम ने हाथ दिखाया रुकने तो रुक जाओ, उसके आगे कोई बात नहीं भाई, पापा की परी है भाई, उड़ा के फेंक देगी भाई। उसके आगे कोई बात ही नहीं होना चाहिए, समझ गए ना। उसने हाथ दिखा दिया मतलब कि रुक जाओ, वहाँ पे रेड सिग्नल हो गया है, आगे कोई बात नहीं भाई। और भाई रिस्पेक्ट भी किया करो जैसे कि मैं करता हूँ, देखते हो इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ कि मेरे हर वीडियो में आपको पापा की परी मिलेगी भाई, इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो भाई रेसिंग एडिशन ग्रीन मोबिल जा रहा है बाइक में, इसकी परफॉर्मेंस सब चेक करेंगे, देखते हैं कैसी रहती है। देखा ऐसा मोबिल, हरा मोबिल भाई, कूलेंट डाल रहे हैं भाई इंजन में, कूलेंट भाई कूलेंट डाल रहे हैं इंजन में। तो ये भाई मोटुल का 15W50 इंटरकोर 300V फुल सिंथेटिक है भाई, रेसिंग मोटर ऑयल जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, रेसिंग मोटर ऑयल 100% सिंथेटिक भाई। एक की कॉस्ट पड़ी है भाई मेरे को 1145, तो सोच लो दो की कॉस्ट कितनी है, दो बॉटल है यहाँ पे, एक खाली हो गया